मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कमीज़ की साइड कैसे मोड़ते हैं और उसमें पक्का करने के लिए पट्टी किस प्रकार से लगाई जाती है, यानी कि स्लिट किस प्रकार से बनाई जाती है, मैं वो बताने जा रही हूँ आपको। स्लिट जो है स्कर्ट में भी बना सकते हैं और साइड में चाक को मोड़ करके जो ओपन किया जाता है उसको स्लिट बोलते हैं। उसको आगे सामने फ्रंट में भी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, वहाँ भी स्लिट बना सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्लिट किस तरह से बनाई जाती है, यानी कि चाक को किस प्रकार से हम मोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी सिलाई है, ये जितनी सिलाई है बिल्कुल वहीं से मैंने इसको मोड़ा है। ये देखिए, मैंने इसको प्रेस कर दिया है इस तरीके से, दोनों पीस एक जैसे हैं बिल्कुल। अब इस पर जो है, ये मोड़ने के बाद मैं यहाँ पर, ये देखिए ये सिलाई है, इस सिलाई को यहाँ से कपड़ा ज़्यादा उधड़ता है तो कपड़ा पक्का हो जाए, वस्त्र जो है और सिलाई ना उधड़े, उसके लिए मैंने ये दो पट्टियाँ तैयार की हैं। ये एक इस साइड लगाऊंगी, एक इस साइड। ये चौड़ाई आप देख लो, पौना पौना इंच है, यानी कि मैंने ये 1.5 इंच के करीब पट्टी ली है। इस पट्टी को मैंने इस प्रकार से फोल्ड करके और ये प्रेस करके तैयार कर ली है। अब मैं क्या, अब देखो क्या करना है। ये देखिए, बिल्कुल जहाँ से ये मेरी, ये जो कपड़े की सिलाई जो है ख़त्म हुई है, वहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से ये लाइन लीजिए। ठीक है, उस साइड भी, दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से। ये देखिए, यहाँ पर भी हम, देखो जहाँ पर मेरी ये कपड़े की सिलाई ख़त्म हुई है वहीं से हम एक लाइन लगाएंगे। देखिए, आप भी इसी तरह से पहले लाइन लगा लें, उसके बाद मैं आपको ये कपड़ा किस प्रकार से लगाते हैं अब मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। आइए देखिए, अब देखिए इस कपड़े को, ये देखो ध्यान से देखना, मैं इस प्रकार से रखूँगी ऐसे, और जो सिलाई मैं लगाऊंगी वो सिलाई आप देखना बिल्कुल यहाँ पर आएगी जहाँ पर मैंने निशान लगाया। इस प्रकार से रख रख करके आप इसको ऐसे भी मोड़ करके देख लीजिए, ऐसे इस प्रकार से। ये देखिए, तो अब क्या करना है, इस पट्टी को मैं वापस ऐसे ही सीधी कर लूँगी, और ये देखो ये निशान आ गया, ये रहा, इतनी दूरी पे मैं सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल जहाँ मैंने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान से। ये देखिए इस प्रकार ऐसे, ये देखो ये मेरा नीचे ये निशान है, और इसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। देखना जरा इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, ये मैंने निशान ऊपर भी लगा दिया है और नीचे मैंने आपको निशान लगा के, ये देखिए। और जहाँ ये मेरे ये कपड़ा है, कपड़े की जो सिलाई है, वहाँ पर इसको रोक करके और वापिस आ जाए इस प्रकार से, आप इसको वापिस ले लें इस तरीके से। एक साइड की ये सिलाई लग गई, ये ऐसे आ जाएगी। अब इधर से जो है पकड़ करके, अब देखिए इस कपड़े को दूसरी वाली साइड भी इस प्रकार निशान लगाए, और ये देखिए बिल्कुल इसी निशान से, ये देखो ये निशान है, इसी निशान से हमें कपड़ा रख करके और ये निशान सिलाई लगानी। सिलाई बिल्कुल ये देखिए, यहाँ ये मेरे जो वह कपड़े की ना साइड की जो सीम है, ये वाली, इस सीम तक ही सिलाई लगानी है बस, इस प्रकार से, और फिर वापस आ जाएंगे इस प्रकार, वापस आ जाएंगे।
इस एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। ये देखिए इस प्रकार ये मैंने सिलाई लगा दी, एक बार यहाँ तक लगाई, वापस गए, फिर दूसरे पीस पर यहाँ तक आए और यहाँ से वापस चले गए। और ये जो सिलाई है इसके बिल्कुल इधर और इधर दोनों साइड से लेने के बाद इस एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। काटने के बाद अब देखिए, काटने के बाद अब क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये देखो मैंने जो है निशान पे बिल्कुल सिलाई लगाई थी, ये मेरी सिलाई है कपड़े की। अब क्या करेंगे, इस कपड़े को देखो इस ऐसे करके, ये देखिए ऐसे सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इस पर आ जाएंगे ऐसे, और निशान ये सिलाई है, ये देखो साइड की सिलाई है ये वाली, तो इसको यहाँ तक ही लेंगे। यहाँ तक लेने के बाद फिर इसको वापस ले जाएंगे, इसको बैक कर लेंगे इस प्रकार से। किसी के पास अम्ब्रेला मशीन है तो उसको हम बिना मोड़े ही डायरेक्ट घुमा देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए एक साइड से ही पक्की होगी, अब दूसरे साइड से भी ऐसे करेंगे इस प्रकार। ये देखो ऐसे करके देखिए कितनी सफाई से लगती है ये, इसको यहाँ से किनारे से लेंगे। बिल्कुल जहाँ तक ये साइड की सिलाई वहीं तक ले करके और इसको ऐसे घुमा करके और फिर वापस यहीं आ जाए। इसको एक्स्ट्रा को काट देंगे। देखिए अब ये ध्यान से देखें, ये मैंने स्लिट ये चाक पर इस पट्टी को लगा करके इस साइड को हमने मजबूत कर दिया है। ये देखिए अब ये जो है ये मजबूत हो जाएगी। यहाँ से कपड़ा ज़्यादा फटता है तो ये पट्टी लगाने से कपड़ा जो है वो फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा जो है इसको मजबूत बना के रखेगा। और अब ये देखिए ये करने के बाद, ये देखो इसको करने के बाद मोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो साइड के चाक हैं इनको हम इस प्रकार मोड़ करके ऐसे कपड़े को इस प्रकार मोड़ेंगे ऐसे और कच्चा कर देंगे। मैं कच्चा करके दिखा रही हूँ आपको, इस प्रकार से आप कच्चा कर लें। कच्चा करने से आपको तुरपाई करने में आसानी रहेगी। और जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती उनको बहुत ही अच्छे से सिलाई आ जाएगी। आप धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जैसे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे वैसे आप बनाएं, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि घर बैठ कर के लॉकडाउन में सभी जो है सिलाई सीखें, क्योंकि एक गृहिणी को ये सब काम करने घर में आने चाहिए। हमने इस तरह से मोड़ करके कच्चा कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड कच्चा कर दिया है और इसके दूसरी साइड भी कच्चा कर लेते हैं और फिर मैं कच्चा करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से ये स्लेट पूरी बन जाएगी, यानी कि चाक किस प्रकार से कमीज को पूरा करने के बाद मोड़ते हैं वो आप सीख
सीख जाओगे, क्योंकि हर चीज़ जो है उसमें टेक्निक चाहिए, और टेक्निक से अगर आप लोग काम करेंगे तो इस काम करने में कोई भी गलती नहीं होगी, और सफाई से बहुत ही सुंदर जो है वो वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। देखिए इस प्रकार कच्चा कर ले, ये देखिए किस प्रकार से जो है मैंने चाक ये मोड़ दिए हैं, ये कच्चा कर दिया है। देखिए कच्चा करने के बाद ये देखो कितना सफाई से, और ये देखिए आपकी स्लिट जो है वो बन करके तैयार हो गई। इस तरह से हम इसको ये देखिए ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है इस प्रकार से। देखो साइड ऐसे करके दिखा रही हूँ, ये मैंने पट्टी लगाई है, ये पट्टी जो है वस्त्र को मजबूत कर देती है और कपड़ा जो है वो जल्दी से उधड़ता नहीं है। और इस साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ सीधा करके भी, ये देखिए चाक बन करके तैयार हो गई। ये देखिए इस पर आप प्रेस कर लेना, ये देखो ये मैं बिना ही प्रेस के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए